ना अन्न और जल ग्रहण किए अनशन किया जाएगा, बोले पुर कार्यालय। तो उधर गोंडा में कच्ची शराब के खिलाफ प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी दे तो इसमें प्रशासन को सफलता भी मिली, देखे रिपोर्ट। गोंडा जिलाधिकारी मार्केदी शाही के निर्देश पर अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री पर रोकथाम हेतु अबकारी निरीक्षक क्षेत्र मकनपुरा, क्षेत्र तरबसगंज, क्षेत्र कनैलगंज की संयुक्त टीम द्वारा छपिया थाना क्षेत्र में दबिश दी गई। दबिश के दौरान पलती पूर्वा में लगभग 200 अवैध शराब बनाने की सामग्री लहन को नष्ट किया गया। वह नन्य ज्योतिया गांव में दक्षिण गन्ने के खेत में लगभग 100 लहन मौके से नष्ट की गई। साथ ही आपको जानकारी देते चलें कि लगभग 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। साथ ही गन्ने के खेत में ही एक भट्टी को भी तोड़ा गया है। अबकारी अधिनियम के तहत एक अभियोग पंजीकृत भी किया गया है। इसी प्रकार भोरा गांव के दक्षिण धूर में लगभग 300 लहन को नष्ट किया गया। तो वहीं डीएम शाही ने जिला अबकारी अधिकारी एवं एसडीएम क्षेत्र के अबकारी निरीक्षकों, थाना अध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के विरुद्ध संघन अभियान चलाएं और साथ ही अवैध शराब बनाने तथा बेचने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। धन्यवाद।